इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल मेचोरिटी ऑफ इंसेक्ट्स बाय इंटरनल फैक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स की इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स जब भी मेचोरिटी का प्रोसेस आता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं ये फैक्टर्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं अब दोनों फैक्टर्स मिलकर किसी भी इंडिविजुअल लाइक like अभी यहाँ पर हम इंसेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो बोथ इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर दे इंटरेक्ट टुगेदर टू डिटरमिन द मेचोरिटी ऑफ द इंसेक्ट अब इसके अंदर इंटरनल रेगुलेशंस की हम बात करें तो इंटरनल रेगुलेशंस में आती हैं इंटरेक्शंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, प्राइमरी इसमें कॉर्पोरा एलेटा इन्वॉल्व है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गैन इंसेट्स के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड का सिस्टम जो है दैट इज़ वेल डिवेलप और इससे जो मुख्त किस्म के हारमोन्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर फाउंड इन द प्रोथॉरिक्स जस्ट बिहड द हेड ये हारमोन्स भी इंसेक्ट्स की मैचूरेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये प्रोथ्रेसिक ग्लैंड जो है ये मैनुफैक्चर करते हैं एक्डाइस्टीराइड्स को एक्डाइस्टीराइड्स क्या हैं ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्टीरयड हारमोन्स जिसमें आ जाता है डाइसोन ये स्टीमुलेट करता है काइटन की सिंथेसिस को प्रोटीन को एपिडर्मल सेल्स के अंदर और ट्रिगर करता है डिफरेंट किस्म के फिजियोलॉजिकल इवेंट्स को दैट कलमिनेट्स इन दी मोल्टिंग इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक्डाइस्टीरोइड्स जो हैं ऑफन दे आर टर्म्ड एज द मोल्टिंग हारमोन्स एक इंसेक्ट जो है वन सीट्स अटेंस द मेचोरिटी स्टेज तो इसके प्रोथ्रेसिक ग्लैंड जो हैं एट्रोफी स्टेज पे आ जाएंगे एट्रोफी स्टेज का मतलब है कि दे आर नो मोर वर्किंग एंड प्ले नो मोर रोल इन मोल्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स कॉर्पोरा लेटा अनदर पेयर ऑफ हिमल ऑर्गेन्स दिस नॉर्मली लाइज जस्ट बिहाइंड द कॉर्पोरा कार्डिएका इनसे भी हार्मोन प्रोड्यूस होता है इनसे जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे जुवीनाइल हार्मोन एब्रीविएशन में ये स्टैंड करता है जे एच अब जुवीनाइल हार्मोन का अपना रोल है जुवीनाइल हार्मोन इनहिबिट करेगा डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स की मुख्तलिफ स्टेज में लाइक करेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग द इमेचोर स्टेज एंड इट प्रोमोट द सेक्शुअल मेचोरिटी ड्यूरिंग द अडल्ट स्टेज यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स में देखें इंटरनल फैक्टर्स में क्या हैं मुख्त किस्म के हारमोन्स ये हारमोनस जो हैं न्यूरो सेल्स ब्रेन कारपोरा एलेटा कारपोरा एलेटा इज प्रोड्यूसिंग ब्रेन हारमोन ब्रेन हारमोन में है प्रोथोरेसिक गलैंड प्रोथोरेसिक ग्लैंड मोल्टिंग हारमोन मोल्टिंग हारमोन Will affect on the pupa, they will also affect on the larva, they will also affect on this larva. And juvenile hormones, they are also affecting the larva, they are a first, that is, larval stage. Juvenile hormone, they are also affecting the second larval stage, they are also affecting the pupa. And juvenile hormone will also affect on the adult. Adult, once it reaches its the adult stage attains the sexual maturity, juvenile hormone are no more in a working state. So these internal factors may he, organs say produce honge, and they help the insects in attaining sexual maturity, passing through different molds. and again, this is called the process which is very common in insects. And we name this process as metamorphosis.